हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन इन सीक्रेट लॉजिक। अगर आप गोभी की सब्जी एक ही स्टाइल में खा खा करके बोर हो चुकी हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट स्टाइल से आपको गोभी की सब्जी बनाना बताऊंगी। इसे गोभी की कोफ्ते भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे किचन में चल करके कि मैं इस रेसिपी को कैसे बनाती हूँ। और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए गोभी। तो मैंने यहाँ एक गोभी लिया, इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसके तीन चार फूल ले लिए हैं। और चाहिए एक गाजर, तो इसको अच्छे से मैंने पील करके वॉश कर लिया है। इसके अलावा मुझे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी और कुछ मसाले जैसे कि प्याज, टमाटर, मिर्चा, अदरक, लहसुन और धनिया। इसके साथ ही साथ हमें चाहिए बेसन। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं गोभी और गाजर को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की हेल्प से। तो यहाँ मैंने ग्रेट कर लिया है इसको, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्तूरी मेथी, काले मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और धनिया के पत्ते। अब इसको प्रॉपरली मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। याद रखिए, गोभी पानी छोड़ता है, तो इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बेसन के साथ इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपको और बेसन की ज़रूरत है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है रेडी हो जाएगा। मैं हींग डालना भूल गई थी, तो आप इसमें हींग ज़रूर से ज़रूर डालिए। इसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके इसको एक प्लेट में रख लीजिए। इस तरीके से मैंने बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, और इसको मैंने बेसन में हल्का सा रोल कर दिया ताकि आपस में चिपके नहीं। तो अब मैंने कढ़ाई गैस पे ऑन कर दी है, और मैं सरसों के तेल में इसको डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तब तक मैं मसाला रेडी कर लूँगी, जिससे कि मेरी सब्जी फटाफट से बन जाएगी। तो मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया, टमाटर और 1 चम्मच जीरा लिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ 2 काजू भी ऐड करूँगी, और मैं इसको अच्छे तरीके से पीस करके मसाला तैयार कर लूँगी। अभी मेरा ऑयल हीट हो गया है, तो मैं दो दो पीसेस करके डालूंगी। आपको इसको बहुत ज़्यादा अलटना पलटना नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो जब ये एक साइड प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाए, तभी आप इसको दूसरी साइड टर्न करिए। जब ये थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाए, तो फिर आप इनको टिश्यू पेपर में करके एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए। तो यहाँ मेरे बॉल्स रेडी हैं। तो अब मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है, और अब मैं मसाले को भूनूंगी। तो मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हींग मैंने ऑयल में डाल दिया था। अभी मैं हल्दी मसाला और सब्जी मसाला दोनों 1-1 चम्मच मिक्स करूंगी। ये चम्मच आप देख सकते हैं, जो मसालदानी में आता है उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है। ज़्यादा मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। मैं बहुत सिंपल ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मसालों को आपको प्रॉपरली बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। जब मसाले अच्छे से भूनते हैं, तो आपकी सब्जी का टेस्ट ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो मसालों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें जो है पानी ऐड करूंगी। तो जिस मतलब मिक्सर जार में मैंने मसाले को पीसा था, उसी में मैं पानी ऐड करूंगी, और जो भी मसाले लगे होंगे उसमें, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ 2 जार पानी डाला था, यानी कि जो मेरा मिक्सर जार आप देख रहे हैं उससे भर के मैंने 2 जार पानी डाला था, और ये सफिशियंट था। और ये गाइस सफिशियंट था 4 लोगों के लिए। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको और ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको प्लेट से ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें कुछ धनिया पत्ते ऐड करूँगी, और इसको अच्छे तरीके से एक बार चला लूँगी ताकि आपस में ये लगे नहीं। जब ये थोड़ा सा बॉयल होने लगेगा ना पानी, तब मैं इसमें जो अपने बॉल्स वो डाल दूंगी। और बॉल्स को बहुत ही सावधानी से डालना है इस तरीके से आपको, और फिर आप इसको 5 मिनट पकने के लिए छोड़ दीजिए, और आपकी गर्मा गर्म गोभी के कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। पाँच मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए, फिर आपकी सब्जी रेडी हो जाती है। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल इसको तवा रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो मैंने इसको इसमें कुछ धनिया पत्ते डाल दिए, 1 चम्मच घी डाला है, और इस तरीके से मैंने इसको गार्निशिंग की है। और अब मैं रोटियाँ सेक करके इसको मैं डिनर में सर्व कर रही हूँ।
सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।